चारों ओर समुद्र का पानी है, बीच में मीठा पानी है। भारतवर्ष में 5 पवित्र सरोवर है, बिंदु सरोवर, पंपा सरोवर ना ज्यादा रहता है, तो यहाँ पे लोग ज्यादातर कार्तिक महीना और चैत्र महीना पूजा करके पानी दीजिए, तो भगवान ने अपने दाहिना पैर का अंगूठा जमीन पे दबाया। भाई मैं भुज में बैठा था 8:10 पे और नारायण सरोवर पहुंच गया हूँ 12:10 पे। टोटल 4 घंटे लगे, तो बस वहाँ से आई GSRTC से और ये नारायण सरोवर है। और भाई ये वापिस से वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आगे तक गए थे हम, वो पूरा उसमें आवाज़ नहीं आया था, तो देखते रहिए। अब चलते आगे की तरफ, वो जो देख रहे हो पूरा प्रवेश द्वार है और ये मेन गेट है। अब चलते हैं अंदर की तरफ और जो आप देख रहे हो यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें हैं, तो जो प्रसादी वगैरह लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं। और चलते हैं, यहाँ पे सब अलग अलग चीज़ मिलती है, जैसे प्रसाद हो गया, रुद्राक्ष हो गया और तुलसी माला है, तो जिसको ये भी लेना है तो वो भी ले सकता है। चलते हैं अंदर की तरफ। ये मंदिर है त्रिविक्रम राय जी का, तो ये मेन इनका गेट है मंदिर का, तो अंदर की तरफ चलते हैं। ये मंदिर है और अंदर त्रिविक्रम राय जी का मूर्ति है, तो पास से दिखाता हूँ, जरा चलते आगे की तरफ। जय श्री कृष्ण, मेरा नाम सुमित जोशी है। हम ये परिवार है सब यहाँ पे सेवा पूजा करते हैं, हमारी चौथी पीढ़ी है, हम यहाँ सेवा पूजा करते हैं। मंदिर का मैं इतिहास बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये मंदिर की स्थापना कैसे हुई ये बताने जा रहा हूँ। ये मंदिर की स्थापना कच्छ की महारानी ने किया है 1790 में। कच्छ की महारानी यहाँ से द्वारका दर्शन के लिए गए थे, वहाँ दर्शन करते ही पहुँचते ही मंदिर बंद हो गया था। कच्छ की महारानी ने पुजारी को आजी जी की, मैं कच्छ की महारानी हूँ, दूर से आई हूँ, मुझे मंदिर खोल दीजिए। मंदिर ना खोलने के बाद कच्छ की महारानी ने प्रतिज्ञा ली और अन्न का त्याग किया और ऐसे संकल्प लिया कि मैं ऐसा न ऐसा मंदिर कच्छ की भूमि पर बनाऊंगी। वहाँ से द्वारका से वापस आते राजा को बात की, राजा ने बोला द्वारका तो देवभूमि है, हमारी ऐसी भूमि कहाँ। फिर कच्छ की महारानी ने पूरा कच्छ भ्रमण किया और ऐसी भूमि मिली इन्हीं को। ये सरोवर है, ये आदि अनादि काल से है, भगवान विष्णु के दाएं पैर के अंगूठे में से सरोवर का निर्माण हुआ है। चारों ओर समुद्र का पानी है, बीच में मीठा पानी है। भारतवर्ष में 5 पवित्र सरोवर है, बिंदु सरोवर, पंपा सरोवर, पुष्कर सरोवर, मान सरोवर और नारायण सरोवर। भागवत में ऐसा उल्लेख है, आप कहीं भी यात्रा करो जब तक आप सरोवर में स्नान नहीं करते तो की हुई सभी यात्रा आपकी अधूरी गिनी जाती है। ऐसा इतिहास सुनकर कच्छ की महारानी ने यह जगह पसंद की और ये द्वारका जैसा मंदिर स्थापित किया। द्वारका में तो द्वारकाधीश की मुख्य मूर्ति है, हमारे यहाँ मुख्य मूर्ति किसकी रखनी, ये एक प्रश्न उपस्थित हुआ। द्वारका में जितनी भी मूर्ति है सब मूर्ति को सोना की पेटी के अंदर बंद किया और सरोवर में रखा और ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चार किए गए, जो मूर्ति सबसे पहले ऊपर आएगी उसको मैं मुख्य मंदिर बनाऊंगी। ये विष्णु भगवान का वामन अवतार है जो त्रिविक्रम राय जी बोला जाता है, ये सबसे पहली मूर्ति ऊपर आई, इसको मुख्य मंदिर बनाया। नीचे है वो गरुड़ जी है। जैसे जैसे सोना की पेटी के अंदर से सरोवर में से सभी मूर्ति जैसे जैसे उपस्थित होती हुई ऊपर पानी के ऊपर आती गई, वैसे वैसे अलग अलग मूर्तियों की स्थापना करती गई। आप जैसे जैसे अंदर आगे आगे जाओगे आप सभी मूर्तियों को देख सकोगे और ये सब एक एक मंदिरों के स्थापित किए गए हैं। ऐसा ये कच्छ का और कच्छ के अंदर आया हुआ नारायण सरोवर का ये पूरा इतिहास बनता है। जय श्री कृष्ण। जब यहाँ पे कार्तिक महीना रहता है और चैत्र महीना रहता है तब पितृ का महीना ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पे लोग ज़्यादातर कार्तिक महीना और चैत्र महीना अपने पितृ के श्राद्ध के लिए यहाँ पे आते हैं, तब यहाँ पे रहने के लिए भी इतनी व्यवस्था नहीं होती, यहाँ पे इतनी भीड़ रहती है उस समय के अंदर, तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे पितृ कार्य करने के लिए आते हैं, ये यहाँ का महिमा है। अभी हमने यहाँ पे दर्शन कर दिया है मुख्य मंदिर में, पूरा हिस्ट्री आपने देख लिया है। अभी चलते हैं द्वारकाधीश के दर्शन करने। ठीक ये मंदिर के सामने ही द्वारकाधीश का मंदिर है, तो चलते हैं अंदर की तरफ। ये मुख्य मूर्ति है द्वारकाधीश की। ये द्वारकाधीश की मूर्ति है और यहाँ पे टोटल सात मूर्ति है, तो ये लक्ष्मी जी की मूर्ति है। अखे भारत में ये एक ही मूर्ति है लक्ष्मी नारायण की, जो विष्णु जी की गोद में महालक्ष्मी बैठी है और साथ में गरुड़ भी है, तो इधर भी चलते दर्शन करने के लिए, ये जरूर देखिएगा बराबर से।
ये विष्णु भगवान है, माँ लक्ष्मी है और नीचे गरुड़ है। तो ये जो मूर्ति है वो पूरे आखे भारत में एक ही है, जो माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान के गोद में बैठे हैं। अभी दर्शन करके आ गए, अभी चलते हैं नारायण सरोवर की तरफ। और चल भाई, चलो भाई अंदर चलते हैं नारायण सरोवर की तरफ और वहाँ पे दर्शन करते हैं। अब फाइनली भाई हम यहाँ पे आ गए नारायण सरोवर के पास, और ये पूरा सरोवर है। तो यहाँ पे महाराज बैठे हैं पंडित जी, तो उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि ज़रा इनके बारे में कुछ बताइए, तो हमको भी पता चले और जो देख रहे हैं उनको पता चले यहाँ का इतिहास क्या था। तो पहले इनका नाम पूछते हैं। सबसे पहले जो भारतवर्ष में रहते हैं, जो नारायण के परम भक्त हैं, जो विदेश में रहते हैं नारायण के परम भक्त, सबको मेरा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देखिए हमारे चार दिशा है, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। इसी तरह हमारा चार युग है, तैत्रा युग, द्वापर युग, सतयुग और कलियुग। इसी तरह हमारा चार पवित्र सरोवर है, बिंदु सरोवर, पंपा सरोवर, मान सरोवर और गुजरात में जो पश्चिम के किनारे पे आया हुआ है, यह है नारायण सरोवर। अभी इसकी कथा यह है कि चारों तरफ समुद्र का खारा पानी था। भगवान सनक सनातन सनातन ये पंच प्रचेता थे, उन्होंने तपश्चर्या की। भगवान विष्णु से प्रसन्न हुए, तब मांगा कि क्या चाहिए आपको। तो इन लोगों ने बोला हमें हमारे लिए कुछ नहीं चाहिए, अगर कल कलयुग में कोई यात्रा करने आएंगे तो पीने का पानी कहाँ नहीं है, तो भगवान आप दया करके पानी दीजिए। तो भगवान ने अपने दाहिना पैर का अंगूठा जमीन पे दबाया, उनमें से जो जल निकला है वो नारायण का जल है, इसीलिए नाम पड़ा है नारायण सरोवर। आप भागवत जी उठा ले, दशम स्कंद निकाल ले, भागवत जी में भी इसी का वर्णन किया हुआ है। भागवत जी कहते हैं कि तुम राजा सर्वतीर्थानाम, आप सारे तीर्थों के राजा ये नारायण सरोवर है। तमेव जगत पिता, आप जगत के माता पिता है। या चितन देही में तीर्थ है, अगर सरोवर के हम आते हैं, यात्रा करते हैं, आचमनी लेते हैं, स्नान करते हैं, जल का मार्जन करते हैं, तो सबसे बड़ा पुण्य यह होता है कि सर्व पाप ही प्रमुच्यते, इंसान जन्म जन्मांतर का पाप और दोष से मुक्त होता है। भागवत जी ये भी कहता है या गतिर युग युक्ता नाम, न जाने कितने युग आए, कितने युग चले गए, तब भी नारायण सरोवर है। मुनि नाम मृद रेत साम, ऋषि मुनियों से सेवित है ये। भगवान रामचंद्र जी यहाँ आ गए वनवास के दरमियान, आज भी यहाँ सड़क के किनारे पे राम भगवान की गुफा है, लक्ष्मण जी है, सीता मैया है, आप सामने देख सकते हैं, आप कैमरा वहाँ घुमाइए। ये पंच प्रचेताओं का मंदिर है, जिसने भगवान को राजी करने के लिए तपश्चर्या की। बाजू में पांच पांडव जी है, उनका भी मंदिर है। तो ये नारायण सरोवर ये धार्मिक स्थल है, आपको यहाँ आना है, भगवान का स्मरण करना है, सरोवर के जल में स्नान करना है, पीपल को पानी लगा के अपना पूर्वजों के आत्मा को शांति देना है और घर में सुख और शांति हो, यही प्रार्थना करनी है। बस इसी कर कहते हैं नारायण सरोवर तीर्थ यात्रा परिपूर्णोस्तु। अस्तु अस्तु अस्तु। भगवान श्री कृष्ण चरण कमल मध्ये अर्पणमस्तु नमः। यस्य स्मृत्या चना मुक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिसौ न्यूनं संपूर्णं ताम याति सद्यो वंदे त्वमच्युतं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। को शुक्रिया और धन्यवाद कि इतना मतलब हमको पता चला और सबको हिस्ट्री पता चलेगी। और यहाँ पे जरूर स्नान करिए, और पवित्र जल है हमारे यहाँ पे कच्छ के अंदर, तो इसका जरूर लाभ लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। हम आ गए हैं कोटेश्वर महादेव मंदिर, जो नारायण सरोवर से 1-2 किलोमीटर पास है, और वहाँ पे गए, फिर अभी यहाँ पे आए हैं, अभी महादेव का दर्शन करने चलते हैं कोटेश्वर महादेव के। तो चलो दोस्तों अंदर की तरफ। और तो सबसे पहले देवी मंदिर है हिंगलाज माता का, तो चलते अंदर की तरफ दर्शन करने। और अंदर जाना अलाउड नहीं है, वीडियोग्राफी करना, अभी शायद बंद किया होगा, तो अंदर जाना मना ही है दोस्तों। तो ये है कोटेश्वर महादेव मंदिर, और जो आगे देखा वो हिंगलाज माता का मंदिर था, और ये पूरा मंदिर परिसर है, यहाँ पे इस तरह से कुछ बनाया गया है।
और काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा है। यहाँ पे अपने दर्शन किए, अब ये जो देख रहे हैं पूरा ये इंडिया का पूरा ओशन है, और यहाँ से 60 किलोमीटर बाद पाकिस्तान बॉर्डर चालू हो जाएगा। अगर रात होती तो दिखता कि पाकिस्तान की जो लाइट है वो भी शायद दिखती, पहले काफ़ी टाइम पहले आया था तभी लेट आते, रात होता तो वहाँ पर पाकिस्तान बॉर्डर की लाइट दिखती थी। अभी हमारा पूरा ब्लॉग हो गया है भाई, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय द्वारकाधीश, जय सियाराम दोस्त।